तेज आवाज के साथ बना गोफ। आसपास रहने वाले हजारों लोग दहशत में। बीसीसीएल पर स्थानीय लोगों ने लगाया साजिश रच रैयतों को उजाड़ने का आरोप। धनबाद बीसीसीएल अग्नि प्रभावित होल एरिया में बारिश के साथ भूधसान की घटना शुरू हो गई है, साथ ही जहरीले गैस का रिसाव भी होने लगा है। ताजा मामला बीसीसीएल गोधर क्षेत्र की है। केंद्रवाड़ी थाना क्षेत्र बीसीसीएल गोधर 6 नंबर पंखा घर के समीप आज तेज आवाज के साथ गोल्फ बनने की घटना हुई है। गोल्फ से लगातार गैस रिसाव हो रहा है। घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, जिस कारण लोग दहशत में हैं। बीसीसीएल प्रबंधन के प्रति लोगों में गुस्सा है। गोल्फ लगभग 40 फीट का है, जिससे गहरीले गैस रिसाव तेजी से हो रहा है। घटना के 3 घंटे बाद भी बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि गोधर 6 नंबर और 3 नंबर में लगातार भूधसान जैसी घटना हो रही है। बरसात के दिनों में अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में भूधसान जैसी घटना की ओर और भी बढ़ जाती है। वहीं स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज बड़ा आकार का गोफ बना है, जिससे गैस रिसाव हो रहा है। यह क्षेत्र स्थानीय रैयतों का है। बीसीसीएल एक साजिश के तहत सभी को भगाना और उजाड़ना चाहती है, ताकि इस क्षेत्र में माइंस खोलकर कोयला निकालने लगे। बीसीसीएल जानबूझकर लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। 50,000 की आबादी इस क्षेत्र में है। सभी लोग डरे सहमे हुए हैं। और आनंद फानन में जो कि बीसीसीएल प्रबंध है, इसको बालू स्टोरिंग करके झांप किया गया और उसके बाद में कभी भी बीसीसीएल ने पहल नहीं किया गया कि यहाँ पे हम बात करें इस मुद्दे को लेकर के, कभी भी नहीं। और ये आज का दूसरा घटना है। आवाज जैसा दिख रहा है कि संभवता है कि आवाज के साथ ही हुआ है। तो कहने का मतलब है कि बीसीसीएल नहीं चाहती है यहाँ पे कि यहाँ के ग्रामीणों, यहाँ का आदिवासी, यहाँ मूलवासियों को जो है कि रहा जाए। ये पूरा जगह रैयत प्लॉट है और हम लोग जो है कि रैयतदार हैं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं बीसीसीएल का एक मंशा है कि इसको नायडी कुसुंडा, जो आज से पूर्व में कई साल पहले हुआ था, इसको धंसा करके फिर एक यहाँ माइनिंग का उपाय किया जाए। कम से कम आपका पूरा एरिया अगर मानिएगा तो 50,000 से कम नहीं है प्रभावित होगी। तो बीसीसीएल ने कभी चाहा ही नहीं। यहाँ पर जो अभी आपने देखा बगल में डीएवी स्कूल है, इतने इतने विद्यालय है, रैयतदार प्लॉट है, यहाँ पर जो आग लगी हुई है, बीसीसीएल का जो कुसुंडा साइडिंग में जो जला हुआ जो कोयला आता था रेक के द्वारा, रेक में जो भरने के वजह में वो कोयला को जो जला हुआ कोयला है, ये पूरा जगह खाली था, उसको बीसीसीएल में कोयला जला हुआ कोयला को डंप करके और धीरे धीरे ये आग फैलाया गया। बीसीसीएल एक गहरी साजिश के तहत में यहाँ का लोगों को नहीं चाहती कि यहाँ पर रहे।